खाली पुट्टा पुट्टा लाइक करायला उस न का जाले उस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं अपने कविता थारू चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को खेत का रोपनी शुरू हो गया है सभी का, तो आप लोग भी खेत ही रोप रहे होंगे, और कोई तो नहीं। जो शहर में होंगे वो सब तो खेत नहीं रोप रहे होंगे, लेकिन हम लोग का इधर देहात में है तो हम लोग सभी का रोपनी का सीजन है, तो सभी को खेत हम लोग रोप रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहा है कि कविता जी आप ग्रुप वाला वीडियो डालिए। तो मैं ग्रुप वाली वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि रोपनी का सीजन है, तो हमारी जितनी भी टीम की मेंबर है तो सभी कोई अपने खेत ही रोप रही है, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। हमारा तो खेत रोपनी ख़त्म हो गया है, लेकिन जो तीन दीदी है उन लोग का खेत अभी शुरू हुआ है, उन लोग का खेत रोपा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हम लोग को माफ़ कीजिएगा, जैसे ही उन लोग का खेत जब रोपा जाएगा तो हम लोग वीडियो शूट करके ज़रूर हम लोग डालेंगे। तो हमारे वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों हैं कि हम लोग आज मौसी के घर आए हैं, मेहमानी में यहाँ पे आए हैं। तो इधर देखिए, इधर अंकित कुमार बाय बाय कर रहा है आप लोग को। अंकित कहाँ आया है? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर आया है? और पढ़ने क्यों नहीं जाता है आंगनबाड़ी में? हम बड़का हो गए बानी, वेस नहीं जाते, खाली पुट्टा पुट्टा लाई करायला वेस नहीं जाले, वेस नहीं जाता है। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि हम बड़ा हो गए हैं इसलिए हम आंगनबाड़ी में नहीं जाते हैं पढ़ने, और आंगनबाड़ी में पोटा पोटा लड़का पढ़ने जाता है, पोटा पोटा जाता है पढ़ने। और तुम्हारा पोटा नहीं बह रहा है? नहीं। और बताओ, तुम क्या क्या कविता सीखा है? दुपुर दुपुर दिया जले मुसल लगल बात का बताई मम्मी के लड़का हाथी। अच्छा, मम्मी के लड़का हाथी, मुसल के लड़का हाथी, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।